सो गाइस माय नेम इज महेश चव्हाण द मुस्टाश टैटूज ओनर एंड देन आज का जो एपिसोड है सो स्पेशली बिगिनर आर्टिस्ट के लिए क्योंकि जितने बिगिनर आर्टिस्ट है वो स्टार्टिंग में जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट स्किन पे करते हैं, किसी की बॉडी खराब करते हैं, किसी का स्किन खराब करते हैं एंड पूरी लाइफ टाइम उस स्किन को वो क्लाइंट झेलते हैं या उनके कैनवास झेलते हैं। सो बेटर है कि आप गलती मत करो वो सारी चीज़ें, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में हमें डायरेक्ट थोड़ा सा नेचुरल स्किन होती है या फेक स्किन पे थोड़ा काम करो, तब जाके आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट स्किन के ऊपर नॉलेज नहीं होता कि कितना डीप जाता है स्किन के अंदर नीडल, राइट, कितना पेन होता है उस क्लाइंट को, कितना दर्द होता है। तो वो फील आने के लिए फर्स्ट आपको आपका हैंडल, आपका जो हाथ के हैंडलिंग है वो पहले संभालना है, देन उसके बाद आपको काम करना है वहां पे। तो फर्स्ट आप थोड़ा सा जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे आता फेक स्किन पे प्रैक्टिस करो, राइट, फ्रूट पे प्रैक्टिस करो, तो वही आज समझाने जा रहा हूँ आपके लिए। इसलिए मैंने ये बोला कि आज थोड़ा सा स्पेशल है एज अ बिगिनर आर्टिस्ट के लिए, थोड़ा स्टडी टाइप होगा और अच्छा होगा। आई गेस ये जो एपिसोड है, जो पार्ट 4 है, ये सबको अच्छा लगेगा जितने बिगिनर आर्टिस्ट है। सो गाइस प्लीज वॉच आज जितने भी मैं जो भी करूँगा आज, सो सिर्फ फॉलो करो और कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉलो करो रूल्स, क्या क्या होता है उसमें, कितना प्रैक्टिस करना होता है, कितना डीप डालना होता है नीडल और कैसे। सो आज हम मौसम्बी, द इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि स्वीट लेमन, इसके ऊपर स्टडी करेंगे, क्योंकि मोस्टली बिगिनर आर्टिस्ट को इस पे पहले स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्किन का थिकनेस होता है वो हमारे नॉर्मल स्किन जैसा ही होता है एंड देन अच्छा भी होता है काम करने के लिए, हमें स्किन का फील आता है क्योंकि इसमें टेक्सचर्स बहुत है, सो काम करने के लिए भी मज़ा आता है एंड देन टनक थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एंड देन थिक होता है। स्टेंसिल लग गई हमारी एंड देन उसके बाद मुझे 3 लाइंस करनी है यहाँ पे। सो एक एंड देन 2 एंड देन 3। सो इसका रीजन मैं बताऊंगा कि क्यों किया मैंने लाइन ये। Then first apply the ND, okay, आसानी से आप इंक पोस सकते हो। स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है कि स्किन डायरेक्ट यूज़ करो, क्योंकि पहले स्टडी करो कितना डीप जा रहा है हमारी नीडल या हमारा होल्डिंग कितना स्ट्रांग है, वो पहले स्टडी करो, सो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं से 1 mm अंदर डाल रहा हूँ स्किन के, आई गेस स्किन समझ के काम करोगे तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें स्वीट लेमन समझ के काम करना है या मौसम भी समझ के काम करना है, ऐसा समझना है कि
मैं एक स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ और बंदे को पेन हो रहा है और कितना डीप पेन हो रहा है वो समझो और उतना ही लेवल का काम दे दो। ऑरेंज की एक खासियत है कि उसका जो टेक्सचर है वो डायरेक्ट स्किन के साथ थोड़ा सा मिल जुलता है। सो 90% तो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा स्किन के साथ मिलता है। जितने भी बिगिनर्स आर्टिस्ट जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उस सब ने ऑरेंज पे स्टडी किया है, स्किन पैड पे स्टडी किया है और जब भी काम करते हैं एक अलग सा फील आता है, काम करने का एक अलग सा एक बच्चे कैसे काम करते हैं वैसा वाला फील आता है कि एकदम बचपन बच्चे बन गए। तो उसकी शार्पनेस प्रॉपर स्ट्रांग करो, एक स्टार भी वैसा ही होता है कि उसके शार्पनेस हमेशा शार्प होते हैं। राकेश टेंसी तो चली गई और मुझे पता है कि कैसा होता है स्टार। मैं इसलिए जानबूझ के नहीं पूछ रहा क्योंकि पूरा स्टेंसिल चला जाएगा। सो क्लीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब मैं लाइन कर रहा था तो उसी टाइम पे मैंने बोला था कि ये मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, इसका रीज़न भी अच्छा होगा आपके लिए, स्टडी करने के लिए अच्छा होगा। सो थ्री लाइन्स हैं। सो फर्स्ट लाइन हमें एज अ प्रोफेशनल जो रहते हैं आर्टिस्ट ये उनकी फर्स्ट लाइन होती है। उनको प्रॉपर स्टडी होता है कि लाइन कैसे कितना डीप जाना चाहिए। जन जो बिगिनर्स आर्टिस्ट बोल सकता है या जितने भी आर्टिस्ट हैं जो जस्ट प्रोफेशनल टाइप मतलब उसी लेवल तक आना चाहते हैं और उस लेवल तक पहुंच जाते हैं पर उनकी लाइन हमेशा इतनी अच्छी नहीं आती। जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं वो हमेशा उनका हैंडलिंग इतना प्रॉपर नहीं होता और हमेशा शेक होता है उनका हाथ। सो जब हाथ शेक होता है तो पूरा निडल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पूरा टिप तक निडल के टिप तक पूरा डीप कर देते हैं और इसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाए, पूरी स्किन डैमेज हो जाती है। सो हमें इससे कंट्रोल करना होता है और हम इसको ध्यान नहीं देते और हमेशा ऐसे लाइन देते हैं या ऐसे लाइन देते हैं तो इसकी वजह से हमारा वेट जो होता है मशीन का वो इतना प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि इसका रीज़न ये कि हम डायरेक्ट स्किन पे काम करते हैं। पहले आप थोड़ा सा स्टडी करो हैंडलिंग मशीन के अंदर, आई गेस जो नीडल है उसकी नीडल के अंदर आपको पेंसिल रखनी है या पेन रखना है और आपको लाइंस का स्टडी करते रहना है। रीज़न भी एक है कि मैंने इसको क्यों काटा क्योंकि लाइन कितनी डीप है हमें पता चलेगा। याद रखना कि ये फर्स्ट पार्ट है एंड देन ये हमारा देख सकते हैं। ही इज अ बिगिनर आर्टिस्ट, ये बिगिनर आर्टिस्ट का वर्क है कि पूरा स्किन डैमेज कर दिया। सो ऐसी लाइन नहीं हमें मारनी है, नॉन प्रोफेशनल
देन प्रोफेशनल। तो आप थिकनेस देख सकते हो कि कितना हाफ एमएम स्किन के अंदर है, और ये हाफ एमएम से ज़्यादा है, मतलब 1.5 एमएम, और ये पूरा 2 या 3 एमएम अंदर स्किन के अंदर है। इसकी वजह से स्किन ओपन है और इसकी वजह से स्किन ख़राब है। सो ये भी चेक करना और कुछ नहीं। सो गाइस, ये सिर्फ ग्रामर है, ये आपको सिर्फ लाइन की क्वालिटी स्टडी करना है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जब तक आपकी लाइन ऐसी ना आए, तब तक आपको स्वीट लेमन पे काम करना है या स्किन पैड पे काम करना है। जब तक आपको, तब तक आपको नॉलेज ना आए कि लाइन की क्वालिटी क्या होती है, लाइन का स्ट्रेटनेस क्या होता है, शार्पनेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है। सो स्टडी करो, सिर्फ स्मॉल एग्जांपल है और कुछ नहीं। ओके, हम फीलिंग को स्टार्ट करते हैं। इस बेटर की फीलिंग भी उतनी ही डीप ना हो, सेम प्रोसेस की जैसे मैंने आपको दिखाया कि प्रोफेशनल लाइन क्या होती है एंड देन लर्नर लाइन क्या होती है, बिगिनर क्या लाइन क्या होती है। सो वो स्टडी करो एंड देन स्क्रिबल करना है फीलिंग के टाइम पे। सो अच्छे से प्रॉपर फील होता है। आई गेस जो स्क्रिबल कर रहे हो वो इतना बड़ा गैप ना हो, स्मॉल गैप। जो पॉइंट होता है वो हमेशा लाइनों से करो, बेटर रहेगा, आपके शार्पनेस आपके हमेशा रहेंगे फिर। अगर आप शेडर से पॉइंट करोगे तो पूरा शार्पनेस नहीं आएंगे और आपके पॉइंट ख़राब हो जाएंगे। नॉर्मल स्किन के अंदर हम इतना अच्छे से फील नहीं कर पाएंगे इतना फास्ट, पर अभी फ्रूट है तो फास्ट हो रहा है। स्किन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना स्किन को स्टडी करोगे उतना अच्छा है। जो सरफेस होता है वो आप पहले स्टडी करोगे, चाहे वो फिर पेंटिंग हो, फिर कोई आर्ट कंटेम्प्रेरी हो, फिर कोई भी चीज़ हो वो आर्ट रिलेटेड, उसको पहले स्टडी करो। बेस आप स्टडी करोगे तो आपकी कोई भी ड्राइंग या आपका कोई भी चीज़ आई गेस वीक नहीं होगा, वो हमेशा प्रॉपर स्टडी टाइप रहेगा। एंड देन अच्छे से प्लानिंग के साथ अच्छे से होगा काम। आपको कुछ पता ही नहीं कि आपको क्या करना है ना, आप महंगे पेपर ले रहे हो और उसके बाद आप उसकी ख़राब कर रहे हो, तो भी ख़राब चीज़ है ना। पहले बेस सरफेस जो भी है, अगर मीडियम कोई भी हो, वो अच्छे से स्टडी करो, उसका टेक्सचर्स क्या है, गैस हमारी फीलिंग हो चुकी है। इतनी प्रॉपर फीलिंग होनी चाहिए। अभी जितना स्टडी करोगे उतना अच्छा है। आई गेस मुझे लगता है कि स्वीट लेमन के ऊपर स्टडी करना बहुत ज़्यादा अच्छा होगा बिगिनर आर्टिस्ट के लिए, और देन प्रॉपर स्टडी टाइप भी होगा। इसके ऊपर आप अच्छे से शेड भी कर सकते हो, है ना, थोड़ा शेडिंग भी हो जाए यार, थोड़ा हल्का सा, थोड़ा सा दिख रहे जब चेक कर रहा। आई गेस यहाँ पे मैं डीप कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट शेड रखा हूँ। वो भी हो जाए यार, मज़ा आएगा। तो
थोड़ा सा यहाँ पे रेस टाइप शेड कर रहा, सॉफ्ट शेडिंग, डार्क टू लाइट। क्वांटिटी सेम कलर की होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो डार्क लाइट ज़्यादा हो जाएगा। तो इक्वली आप क्वांटिटी रखो। बेटर रहेगा। टैटू के सप्लायर जो होते हैं वहाँ पे बहुत सारे नीडल्स होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ये अभी 8RS यूज़ कर रहा, तो वहाँ पे भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। आपको थोड़ी कम साइज़ वाली नीडल चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो, बड़ी साइज़ वाली नीडल चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, नीडल के बहुत सारे नंबर्स होते हैं, आपको नंबर वाइज मिल जाएंगे नीडल, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो हमारा शेडिंग तो हो चुकी है, एंड देन अब हम स्किन पैड पे काम करेंगे। सो बेटर रहेगा, ये आपको कोई भी सप्लायर में मिल जाएगा। जो स्वीट लेमन है वहाँ पे जो फील देता है स्किन का, यहाँ पे वैसा वाला फील नहीं आएगा आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड फील आएगा। और यहाँ के जो ग्रोथ, जो ग्रिप है स्किन की, जो स्किन पैड की, वो एकदम टाइट होती है। सो रबर वाला फील आता है, ऐसा लगता है कि हम अभी रबर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे शेडिंग में भी डार्क टू लाइट जा रहा हूँ, क्योंकि बेटर है कि आपका शार्पनेस है वो वैसा ही रहे और सॉफ्ट आए। पता है इसमें स्टिपलिंग भी अच्छे से आती है, मैं दिखा रहा हूँ यार, आपको 90 डिग्री रखना है निडल, आई गेस मशीन बोलूँ, और सिर्फ आपको इसे डॉट डॉट डालने कंटिन्यू। पर डॉट के गैप्स हमेशा स्टडी करना, क्योंकि कोई कोई लोग बहुत दूर दूर जाते हैं या कोई कोई लोग पूरा पास पर डालते हैं, इससे फिर वो मैसी हो जाते हैं और आफ्टर हील टैटू खराब हो जाता है। जैसा चाहिए वैसे डॉट डालो, डार्क टू डार्क, लाइट टू लाइट। सो डाइल्यूशन बनाओ लाइट मिडल डार्क के, जैसे मैंने आपको बताया था थर्ड एपिसोड में, जिसमें ग्रे वॉश के बारे में था, उसमें जैसे मैंने डाइल्यूशन लाइन बनाए थे, डाइल्यूशन इंक बनाए थे, तो वैसा वो एक बार चेक करना, आई गेस उससे स्टडी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, आपको शेडिंग के बदले आपको सिर्फ डॉट वर्क करना है। सो ये हो गया हमारा ट्राइबल, इसको थोड़ा सा शेड करते हैं यार, अच्छा लगेगा ना साइड से, इस लाइट शेड भी रहेगा ना, जैसे हमने वहाँ पे इसको किया था अनार को, ऐसा अनार बोलने से बेटर है कि स्वीट लेमन को। तो यहाँ पे मैंने लाइट रखा है,
ये क्वांटिटी डार्क की होनी ज़्यादा होनी चाहिए, लाइट की नहीं। और इससे भी स्मूथ चाहिए तो हम कर सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा डॉट टाइप किया शेडिंग, तो आपको पहले सॉफ्ट ले लेना पड़ेगा, डायरेक्ट हार्ड स्ट्रोक नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो ले रहा हूँ ये हार्ड स्ट्रोक से, और जो सॉफ्ट स्ट्रोक ये होता है। गोली पास पास शेड, जितना चाहिए उतना डार्क बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए कि एक ही जगह पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ लेयर बाय लेयर या एंड देन ग्रे वॉश के, ग्रे वॉश जैसे मैंने यूज़ किए थे वैसा ही यूज़ करना है। और जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा था, थर्ड एपिसोड जब जो ग्रे वॉश के बारे में, तो आई गेस वो पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रॉपर शेडिंग बताई है कि ग्रे वॉश कैसे बनाते हैं, शेडिंग के लिए, पोर्ट्रेट के लिए, अदर नॉर्मल रेगुलर शेडिंग के लिए कैसे बनाते हैं टैटू के लिए, तो वो भी चेक करना। आई गेस वो मिस मत करना, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप जाओगे एपिसोड के वाइज तो जल्दी सीख जाओगे। सो ये हमारा हो गया, इसको एंडी से प्रॉपर क्लीन करते हैं। तो वहाँ पे यहाँ का जो शेड है, यहाँ का शेड बहुत फर्क है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, दिखने में लगता है कि हार्ड है बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके टेक्सचर बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि ये पूरा रबर है, इसकी वजह से इसका शेड करने में मज़ा आता है काम करने। और यहाँ पर तो फीलिंग तो आप देख रहे हो लाइट टन, सो मैंने इसका भी बताया था इसके बारे में, इसका रीज़न क्या है। सो वही रीज़न है, इसको भी काटेंगे हम आधे से तो हमें पता चलेगा कि इसमें मैंने वैसा किया नहीं है कि एकदम डीप लाइन एंड बिगिनर लाइन का मैंने वैरायटी नहीं दी है, पर मैंने इसको इसके लिए दिया क्योंकि आपको फ़र्क पड़ेगा, समझने में आसानी हो जाएगी और इसको काटने में भी मुझे आसानी हो जाएगी। सो वही है कि बिगिनर्स आर्टिस्ट की डैमेज होती है स्किन, एंड देन एज अ नॉन प्रोफेशनल की आउटलाइन देखो, एंड देन एज अ प्रोफेशनल की आउटलाइन देखो, डीप कितना है वो आपको पता चलेगा। सो स्टडी करना है और कुछ नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड देन जितने भी लोगों ने देखा है वीडियो सो प्लीज शेयर करो, क्योंकि जितने भी बिगिनर्स आर्टिस्ट हैं उन तक जब ये वीडियो पहुंचेगा तब जाके मज़ा आएगा और उनका काम एज उस अच्छे लेवल पे हो जाएगा। सो गाइज प्लीज एज अ रिक्वेस्ट कि आप वहां तक पहुंचाओ जिनको सच्ची में जरूरत है ये वीडियो की। लव यू लॉर्ड्स एंड ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर।